बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दौरे इंग्लैंड के लिए विकेट कीपर रोहिल नज़ीर कौमी स्क्वाड में शामिल। 5 रिजर्व प्लेयर के साथ कोरोना वायरस टेस्टिंग का दूसरा मरहला भी मुकम्मल कर लिया गया। जी दोस्तों, दौरे इंग्लैंड के लिए बैकअप विकेट कीपर रोहिल नज़ीर कौमी स्क्वाड में शामिल हो गए हैं, जिनका देकर 4 रिजर्व प्लेयर के साथ कोरोना वायरस टेस्टिंग का दूसरा मरहला गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल कर लिया गया। पीसीबी ने तस्दीक की है कि 5 रिजर्व खिलाड़ियों में बिलाल आसिफ, इमरान बट, मोहम्मद नवाज़, मूसा खान और रोहिल नज़ीर के अलावा सपोर्ट स्टाफ में शामिल मसाजिद मोहम्मद इमरान के कोरोना वायरस टेस्टिंग कराएंगे, जिनमें 4 खिलाड़ी बिलाल आसिफ, मोहम्मद नवाज़, मूसा खान, इमरान बट 12 जून को ऐलान शुदा 29 रुकनी स्क्वाड के साथ बतौर रिजर्व खिलाड़ी मुंतखब हुए थे, जबकि रोहिल नज़ीर को बैकअप विकेट कीपर की हैसियत से शामिल किया गया है। पीसीबी के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 18 खिलाड़ियों और टीम इंतजामिया में शामिल 11 अफराद ने कोरोना वायरस टेस्टिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल किया, जबकि पहले मरहले में जिन 10 खिलाड़ियों और 1 प्लेयर सपोर्ट स्टाफ में शामिल रिपोर्ट मस्बत आई थी, उनका टेस्ट आज दूसरी मरतबा कराए जाएंगे। पीसीबी के मुताबिक टेस्टिंग के तमाम तर नतज का ऐलान कल होगा और इस बात पीसीबी की जानिब से फ़िलहाल कोई तबसरा नहीं किया जाएगा। जराए का कहना है कि पहले मरहले में जिन खिलाड़ियों की रिपोर्ट मस्बत आई थी, इनको दोबारा टेस्ट कराने का फैसला इस वजह से किया गया कि मोहम्मद हफीज़ अपने तौर पर टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट मनपी आई है, जो पीसीबी के टेस्टिंग के दौरान 10 कोरोना से मुतासर क्रिकेटर में शामिल थे। जी दोस्तों, ताज़ तरीन अपडेट्स और ख़बरों के लिए तो ये चैनल को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।